हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेसन नंबर 2 सेकुलरिज्म के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, सेकुलरिज्म के अर्थ के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। आज हम सेकुलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता की जरूरत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। नीड फॉर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम धर्म को राज्य से अलग रखें। सेकुलरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी देश को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने के लिए धर्मनिरपेक्षता काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, भारत में भी डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत का धर्मनिरपेक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स। विश्व के लगभग प्रत्येक देश में एक से अधिक धार्मिक समूह होते हैं। फ्रॉम अमंग दीज ग्रुप्स वन ग्रुप में भी इन ए मेजोरिटी। इन सभी समूहों में कोई एक समूह बहुसंख्यक हो सकता है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, इट मे मिसयूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सिस टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्संस ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स। अगर यह बहुसंख्यक समुदाय राज्य सत्ता की प्राप्ति कर ले तो यह इस शक्ति और वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग अन्य धार्मिक समुदायों के विरुद्ध भेदभाव करने में कर सकता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन मे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटीज टू इट्स सिटीजन्स। धर्म पर आधारित किसी भी प्रकार का प्रभुत्व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जबकि एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इट इज इसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी सेकुलर। एक लोकतांत्रिक देश के लिए धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है। बिकॉज इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एडोप्ट अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। क्योंकि उसे लोगों की इस आज़ादी की रक्षा करनी है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलकर दूसरे धर्म को अपनाए और अपनी आज़ादी से धार्मिक शिक्षाओं की व्याख्या कर सके। इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्म निरपेक्षता। ऑल्दो द टर्म सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल इन 1976, येट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए सेकुलर स्टेट। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भारत आरंभ से ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। भारत एक विशाल देश है जिसमें संस्कृतियों और धर्म की व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। इनफैक्ट द फर्टर्निटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया कुड बी बिल्ट ओनली ऑन ए सेकुलर बेसिस। वास्तव में भारत जैसे देश में भ्रातृत्व और एकता केवल
धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही सुनिश्चित की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय इंश्योरिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य निम्नलिखित तत्वों का सुनिश्चित प्रावधान करके ही अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकता है। 1. रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री। देश में एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह पर अपना प्रभुत्व ना जमाए। सम मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप डोंट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही धार्मिक समूह के कुछ सदस्य अपने ही धार्मिक समुदायों के अन्य सदस्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करते। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता और ना ही यह अपने नागरिकों की आज़ादी को छीनता है। बच्चों, अगर कोई बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय को दबाता है, अगर शक्तिशाली लोग कम शक्तिशाली लोगों को दबाते हैं, अगर राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसका डिस्कशन हम पार्ट 3 में करेंगे। अब कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं जो लेसन में प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, इन वर्ड मीनिंग्स को देखिए। सेपरेट पृथक मेजॉरिटी बहुसंख्यक डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से ग्रुप समूह मिसयूज दुरुपयोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज वित्तीय संसाधन डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना डोमिनेशन प्रभुत्व इसेंशियल आवश्यक इंटरप्रेट व्याख्या करना वायलेट उल्लंघन करना प्रीएम्बल प्रस्तावना डाइवर्सिटी विविधता कल्चर संस्कृति फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व अथवा बंधुत्व यूनिटी एकता एलिमेंट्स तत्व ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य पर्टिकुलर विशेष एंश्योर सुनिश्चित करना। तो बच्चों, आपको ये सब वर्ड मीनिंग प्रोनाउंस करके देखने हैं और इनका मीनिंग लर्न करना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।